Actually, I used to be 100 kgs in 1947. मुझे आज़ादी के टाइम पे भी बहुत बुली किया गया बिकॉज ऑफ माई वेट. मेरे 101 रिश्ते टूटे बिकॉज ऑफ माई वेट. लेकिन अब आप मेरी 100 साल पुरानी और आज की फोटोज के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं. तो कैसे किया आपने ये सब? एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, 6-7 महीने मैंने मेहनत की और मैंने फोटोशॉप सीख लिया. अब मैं अपनी फोटोज एडिट कर सकता हूँ. जिम में जाके क्यों बुंड मरानी जब आप अपनी फोटोज घर बैठे एडिट कर सकते हैं. हमारे देश में अगर कोई गलती से भी 5 या 10 किलो वजन घटा या बढ़ा ले, वो सीधा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, फिटनेस कोच बन जाता है, बायो में फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाता है, फिटनेस मॉडल बन जाता है विद 50,000 फेक फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. और चलो जनता इतना तो सह लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी एस फोटोशॉप्ड, इनकी एब्स फोटोशॉप्ड, इनके बाइसेप फोटोशॉप्ड, इनकी थूथ तक फोटोशॉप्ड है. ये सब तो खैर ऑलरेडी नमूने हैं एक नंबर के, लेकिन आज हम ऐसे लोगों की लेने वाले हैं जो मुश्किल से खुद के 4 पैक जिनके बने नहीं, 10 दिन जिम जाए हुए नहीं और वो बायो में फिटनेस कंसल्टेंट बने बैठे हैं, फेक प्रमोशन करते हैं और जंक फूड बेचते हैं प्रमोशन के नाम पे. हेल्दी टिप्स फॉर योर फैन. सॉल्ट छोड़ दो, रिप्लेस इट विद हिमालय पिंक सॉल्ट. शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जैगरी कर दो. दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो और बस जीना भी छोड़ दो, तुम एकदम फिट हो जाओगे. एक्चुअली नुसरत को भी नहीं पता होगा कि उनके एक्चुअल डाइट प्लान्स हैं क्या, क्योंकि ये सब इनके ट्रेनर ही, इनके कोच ही इनको बताते हैं और ये फिर प्रमोशन के नाम पे स्टोरी में कुछ भी बक देते हैं किसी के भी कहने पे. वैसे ये रियल लाइफ में भी एक्टिंग कर सकते हैं, वी कांट डिनाई दैट फैक्ट. दोस्तों रिसर्च के अनुसार ऐसा देखा गया है कि जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं उनको किसी चीज की चिंता और बेचैनी ज्यादा होती है. हाइट बढ़ाना चाहते हैं आप, इस तरह से हैंगिंग, स्किपिंग और कुछ एक्सरसाइजेस हैं ये करके अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो कीजिए. टिकटॉक पर भी कंसल्टेंसी चल रही है, हाइट बढ़ाई जा रही है, वजन कम कराए जा रहे हैं. और हाइट जो है जेनेटिक नहीं बढ़ती, तुम उसको बिस्किट खा के, लटक लटक के, प्रोटीन के डिब्बे पी के बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अकॉर्डिंग टू हिम. पता नहीं है डॉक्टर है, एक्टर है, टिकटॉकर है, क्या है. ये बात मेरे गाँव में कालूराम की लुगाई भी बोलती थी कि लटक लटक के हाइट बढ़ जाती है. साला कभी कालूराम उसकी इज्जत नहीं किया बे, वरना आज वो भी बहुत बड़ी टिकटॉकर होती इनकी तरह. मैं अपनी इस वीडियो में जितने भी वनाबी फिटनेस मॉडल, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, फिटनेस ट्रेनर्स को दिखाने वाला हूं, मैं सिर्फ उनके फेस एडिट करूंगा, इमोजी लगाऊंगा या थोड़ा बहुत छुपा सकता हूं, ना उनके यूजर नेम छुपाऊंगा ना ही उनका नाम लेने से मैं हिचकूंगा, क्योंकि फेस पर कभी कभी प्राइवेसी कंप्लेंट आ जाती है, वीडियो डिमोनेटाइज हो जाती है और हमें इस वीडियो को डिमोनेटाइज नहीं होने देना, हमें इससे पैसा कमाना है. तो कुछ भी चीज एडिटेड नहीं होगी मेरी तरफ से, सिर्फ फेस के सिवा, बाकी यूजर नेम वगैरह सब होंगे. और ये चीज तुम चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम के एक पेज से जहां से मैंने कंटेंट उठाया है, फेक फिटनेस एक्सपोज 7 बार ये पेज बन चुका, क्योंकि ये लोग चिढ़ के रिपोर्ट करते हैं पेज को. जो भी बंदा इस पेज के पीछे है, मेरी बात हुई है, मैंने उसकी आइडेंटिटी नहीं पूछी, बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, बिग शाउट आउट टू यू. तुम ही लोग जो है इंडिया की हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री बचा रहे हो. सो गाइस देखो, इन दिनों का हिजामा हो चुका है, अभी आप पूछ सकते हैं कैसा फील हो रहा है. मुझे बहुत नॉर्मल फील हो रहा है, मतलब पहले से बेटर फील कर रहा हूं, मतलब सांस लेने में भी अच्छा फील हो रहा है, मुझे बॉडी भी हल्की रिलैक्स लग रही है. मुझे बहुत सारी गैस है सब खत्म हो गई है, तो प्रोफेशनल है भाई, प्रोफेशनल से ही कर रहा हूं. गैस पहचाना ये कौन है? हिजामा वाले ने भी ऐसे लोगों से प्रमोशन कराए, लिटिल दानिश से, जिनको ये नहीं पता कि उनकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है. और भैया गैस ठीक हो गई? अबे हिजामा कराया है, पजामा कड़वा के तेरी टट्टी करवाई उसने. ओ भाई साहब, हमें तो पता ही नहीं चला ये एडिटेड है. ये लोग इतना सस्ता फोटोशॉप एडिटर यूज करते हैं कि जब ये अपनी बॉडी को श्रिंक या मस्कुलर करने के लिए कर्व्स यूज करते हैं ना, जो कर्वी करते हैं अपनी बॉडी को, तो इनका बैकग्राउंड भी कर्वी हो जाता है, वो लहरवे ले जाता है और यहीं इनकी पोल खुल जाती है. और ये सब सस्ते फोटो एडिटर आपके फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर और सो कॉल्ड फिटनेस फ्रीक दोस्त भी यूज करते हैं. तो उनकी पोल खोलने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ जहां उन्होंने कर्व्स यूज करें अपने बाइसेप पे, अपने एब्स पर श्रिंक या मस्कुलर करने के लिए आपको जूम इन करना है और ये लीजिए अंगड़ाई लेता हुआ बैकग्राउंड आपके सामने है. अरे दीदी का तो पूरा बैकग्राउंड ही लहरवे ले गया. दीदी या तो इतनी मेहनत आप जिम में कर लो या फिर पेड फोटोशॉप सॉफ्टवेयर खरीद लो यार, मतलब अब भी कंजूसी दिखा रही हो जनता को इतना लूटने के बाद भी. देन देयर आर भारतीय लोह महिलाएं जो आए दिन मोटिवेशन से भरे कोट्स या कैप्शन पोस्ट करती रहती हैं क्योंकि इनका गलती से 5-10 किलो वजन घटिया बढ़ गया डिप्रेशन और एंजाइटी के चलते. लेकिन असलियत यह है कि इनके सोशल मीडिया सिर्फ फोटोशॉप की मदद से चलते हैं. और कॉन्फिडेंस देखो तुम, बायो में लिखा है लाइफस्टाइल कंसल्टेंट, स्ट्रेंथ कोच, क्योंकि ये पावर लिफ्टर है, ये एथलीट है, अब एथलीट ही बनेगा कोच और यही है वो जो सबका जीवन बदलेंगे. और इन्हीं को पूरा हक है 10 ईयर्स नाउ एंड देन की फोटो पोस्ट करके मोटिवेशन बकने का. सुबह जिम जाता, जिम से आके केले खाता, फिर भी मेरी बॉडी बढ़ती नहीं क्यों.
क्योंकि 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बढ़ने वाली है, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बढ़ने वाली है, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बढ़ने वाली है। तेरा भाई है ना जिम के सारे डंबल सारी रोड अपने लेग्स पे मारता है, आर्नोल्ड सुभाष नगर की भी गांड फट जाए। तेरा भाई है नेक्स्ट ब्रोक लेसनर, टिकटॉक वीडियो में धूम मचाने के लिए ना तेरा भाई अंदर धुन वेट मारता है जिम में, सारी लौंडिया देखती है मुझे, वो अलग बात है कि मेरी कमर की हड्डी सरक के चेस्ट में आ जाएगी किसी दिन। 8 मंथ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन बैंड चोद, भैया हमारी तरफ से तो आप 3 महीने लिख देते, ऐसा मोटिवेशन नहीं देखा मैंने कि 8 महीने में ऐसे से ऐसी बॉडी बन गई हो। मुझे भी बता दो कौन सा डब्बा पियो, कौन से जिम में जाऊं कि मेरी बॉडी बन जाए और मैं फिर सीधा IBBP ICCC प्रो में जाके कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर दूं, तेल लगा के होगी। जब मैं वीडियो ना ला पाऊं, मेरे पास कंटेंट ना हो, तो कोई मुझे इस तरह इस बेकदरी से मारे, मेरा मतलब कुत्ता बना दे मार मार कर, मुझे इस तरीके से मोटिवेशन दे। मैं अपने घर वालों को अपने सब्सक्राइबर को ये वीडियो दिखाने वाला हूँ कि आओ मेरे घर पे और मुझे इस तरीके से मारो। अमित शाह जी, क्या आप इस तरीके के लोगों को NRC लिस्ट से बाहर कर सकते हो प्लीज? हेलो अन्नी भैया, यार मुझे तुम्हारे 300 रुपए वाले जिम में ट्रेनर बना दो। अरे पैसे वैसे की बात नहीं है, फ्री में बन जाऊंगा, लड़कियां वड़कियां तो आती होंगी, एक दो नहीं एक्सरसाइज सीखी मैंने। तुम लोग अगर मुझे कमेंट सेक्शन में इस एक्सरसाइज का नाम बता दो तो अभी के अभी 1,000 रुपए पेटीएम दूंगा उन लोगों को, क्योंकि मेरा देश फिटनेस में हेल्थ में इतना आगे बढ़ चुका है मुझे आज ही पता चला। अभी ये तो कुछ दृश्य थे कि आपके आसपास जिम में क्या कुछ चलता है, आपके ट्रेनर्स को कितनी नॉलेज है, आपके ट्रेनर्स कितने ट्रेंड हैं और कितनी बड़ी ईगो है ट्रेनीज की वहाँ पे एक्सरसाइज करने वालों की। क्योंकि ये टिकटॉक की वीडियो और इंस्टा की स्टोरी के चलते, लड़कियों को इम्प्रेस करने के चलते कितना भी वेट मार सकते हैं ईगो में आके, और कोई भी अनाप शनाप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने मंदबुद्धि ट्रेनर के कहने पे, अपने शरीर की औकात से बाहर भी। अभी वापस आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। मैंने आपको अपने वनाबी सोशल इन्फ्लुएंसर्स की हाफ नॉलेज फोटोशॉप पिक्चर्स तो दिखा दी है, अब इनके प्रमोशन फेक प्रमोशन करने के तरीके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। पिछले 5 दिनों में मैंने 2.2 kg वेट लूज कर दिया। उसका सुन के आप बोलोगे परस तुम धन्य हो, फिर मैं बोलूंगा नहीं नहीं मैं धनिया हूँ। धनिया का बीज आपके कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करेगा। आपने तो धनिया यूज करके की है, मैंने तो पिछले 1.5 मिनट में 2.2 ग्राम ब्रेन सेल्स लूज कर दिए हैं आपके टट्टी प्रमोशन वीडियो देख के। क्या वीक में एक बार मैस्टरबेशन करने से मसल्स लूज होता है? एनी सॉल्यूशन? प्रोटीन शेक पी के किया करो। मेरी दिव्य बुद्धि कहती है कि बनाना शेक पी के किया करो, मजा आएगा ब्रो। ओ भाई मारो मुझे। इन लोगों को जो भी कंपनी जो भी ब्रांड पैसा दे दे, तुरंत इनकी फिटनेस का राज उस कंपनी का प्रोडक्ट बन जाता है, चाहे वो मास गेनर हो, ग्रीन टी हो, रेड टी हो, ब्लैक टी हो, कुछ भी हो। मतलब कि ये अपने जिम में बहे पसीने को, जिम में बहे पैसे को, जिम में गए टाइम को कोई वैल्यू नहीं देते, क्योंकि ये उसका पूरा क्रेडिट तो उस कंपनी के प्रोडक्ट को दे देते हैं। हर हफ्ते इनके डब्बे बदलते हैं, हर दिन इनकी ग्रीन टी बदलती है, हर चौथे दिन इनके कपड़ों की ब्रांड बदल जाती है, हर 5वें दिन इनका जिम बदल जाता है, हर 10वें दिन इनका ट्रेनर के क्रेडिट बदल जाते हैं, और ये सबसे बड़ा धोखा अपने फेक फॉलोअर्स को देते हैं जिनको ये फेक प्रमोशन करके वो प्रोडक्ट खरीदवाते हैं। अगर आप भी फिटनेस इंडस्ट्री के किसी वनाबी सोशल इन्फ्लुएंसर्स के अंध फॉलोअर हैं तो आप एक बात सुन लो कि आपके आइडल की बॉडी, बॉडी नेचर, इकोसिस्टम, डाइट, लाइफस्टाइल सब कुछ अलग है। आप सब कुछ भी उनके जैसा कर लोगे तब भी उनके जैसे नहीं बन सकते, आपके जीन्स अलग हैं, उनके जीन्स अलग हैं। तो कुछ भी लेने से पहले, कुछ भी फॉलो करने से पहले थोड़ा रिव्यू कर लो, तब जाके इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बढ़ने वाली है। अरे नहीं 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 दीदी, ईगो लिफ्टिंग नहीं, अरे अरे लग जाएगी, अरे मशीन को लग जाएगी दीदी, मशीन को लग जाएगी। अरे गुस्सा हो तो बाद में एक्सरसाइज कर लेना, अभी झूला नहीं झूलना है। ऐसे तो शोल्डर और बाइसेप्स भी आगे की जगह पीछे बन जाएंगे। और दीदी का कैप्शन पढ़ो जरा। पुशिंग डाउन विद 110 lbs, वर्किंग हार्ड, ड्रीमिंग बिग, टोइंग। इंस्टा पर बस ज्यादा से ज्यादा वजन उठा के मुझे पोस्ट डालना है, कैप्शन डालना है, चाहे मेरी छाती फट के जिम के बाहर गिर जाए, आज तो पूरी इंस्टाग्राम फैमिली को मोटिवेट कर दूंगा। और इतना ही नहीं, खुद तो गलत एक्सरसाइज कर ही रही है, बायो में पढ़ो। पावर बिल्डर, फिटनेस मॉडल, फिटनेस एजुकेशनिस्ट, DM फॉर ऑनलाइन कोचिंग। खुद के तो एब्स कमर में बनाएंगी ही गलत नॉलेज के साथ, साथ में आपसे पैसा लेके ऑनलाइन कोचिंग में आपको वैसा ही गलत ज्ञान देंगी। यू नो व्हाट दीदी,
जिम में वजन मारने से, सिक पैक एब्स बनाने से, बिकनी पहन के ब्रांड के साथ शूट करने से कोई भी फिटनेस ट्रेनर फिटनेस कोच नहीं बन जाता, क्योंकि कोच कभी खुद छक्के नहीं मारता। ये जरूरी नहीं है कि कोच ही छक्के मारे, छक्के खिलाड़ी मारेगा, कोच सिर्फ गाइड करता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अपना कोच, अपनी ब्रांड और अपने डब्बे और अपना जिम अपनी समझ से चुनो। मैंने देखे हैं कुछ जेन्युइन लोग, जैसे यूट्यूब पे सिक पैक्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो मुझे बहुत ज़्यादा नेचुरल लगते हैं, दूसरा दीक्षा मलिक को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, ऑनलाइन कोचिंग जो देती है, और खुद उनके कोई ऐसा वो अपनी बॉडी शो ऑफ नहीं करती इतना ज़्यादा, ये नहीं बताती कि मैंने सिक पैक्स बना लिए, मेरा ये फलाना मोटिवेशन, मेरा डिगडा मोटिवेशन जो है ठीक है, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया ठीक है, एक आध बार की बात है, वो टेड एक्स स्पीकर भी हैं, और मैं ज़्यादा हूँ नहीं इस इंडस्ट्री में, मुझे कहा गया कि भाई फिटनेस पे रोस्ट कर दो, मैंने कर दिया, और भी लोग होंगे जेन्युइन, मैं ये नहीं कहता सब लोग ऐसे हैं, लेकिन इन फेक लोगों से बचो। मैं भी सच्चा, मेरा प्यो भी सच्चा, मेरी माँ भी सच्ची, एक्सपोज करने वाले पैन चोदिया। फिर आते हैं ये भाई साहब, चलो बॉडी फोटोशॉप तक ठीक थी, आज हम हजम कर रहे हैं फोटोशॉप वाली चीज, लेकिन थूत भी फोटोशॉप कर दी। अरे भैया थूत को भी जिम करवाते हो क्या? पहले ही भगवान ने इतनी बुरी दी है तुम्हें, फोटोशॉप करके और चंबल का डाकू बन गया भाई ये। और इसका भी इंस्टाग्राम बायो पढ़ो, सर्टिफाइड ट्रेनर फिटनेस इंस्ट्रक्टर एंड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट मेंस फिजिक फिटनेस मॉडल आर्नोल्ड क्लासिक यूरोप एमेच्योर ओलंपियन फिट। खुद की बॉडी फोटोशॉप्ड है, दूसरों को क्या सिखाएंगे, 6 महीने का फोटोशॉप कोर्स। तो जितने भी लोग मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं इससे भी बहुत ज़्यादा हैं, ये कमी थे, और इससे भी बहुत ज़्यादा हैं लोग, इनसे पहले मैं इनको जानता भी नहीं था। अगर इसमें से कोई कहता होगा मुझे आके कहेगा कमेंट में कहीं भी कि चिढ़ता है अपनी स्टोरी में, भाई मैं जानता भी नहीं तुम में से एक को भी नहीं जानता मैं आज से पहले से, जिनको मैं जानता था उनका नाम एंड में मैंने ले दिया, सिक पैक्स को, दीक्षा को। वैसे भी तुम्हारे फेक फॉलोअर्स हैं, कौन तुम्हें देखता होगा, और मेरी कोई पर्सनल हेट नहीं है किसी से, तुम सब लोग मेहनत करते हो जिम में, ऑब्वियस सी बात है, फोटोशॉप करना छोड़ दो, फेक ब्रांड प्रमोट करना छोड़ दो, करते भी हो तो जनता को झूठ मत बोलो कि तुम वो यूज़ करते हो, साफ बोल दो कि जाके खरीद लो खरीदना है। तो मेरा मेन कंसर्न जनता थी कि तुम लोग बच्चों को मिसगाइड करते हो, और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। चलो फोटोशॉप अपनी बॉडी में करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपनी मेहनत को, उस टाइम को, उस पैसे को और उतनी स्ट्रगल को तुम धोखा दे रहे हो खुद ही। तो मेरी किसी से कोई पर्सनल हेट नहीं है, और आगे मैं किसी को कोई जवाब भी नहीं देने वाला अपनी स्टोरी में, कोई मेंशन करेगा करते रहना, डरते हम किसी के पिताजी से भी नहीं है, सिर्फ अपने को छोड़ के। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे लक्ष्य चौधरी ऑफिशियल फॉलो कर लेना। मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि मैं हेलो ऐप पे आया हूँ और वो लोग मुझे पैसा दे रहे हैं फॉलोअर्स का, जितने भी मेरे फॉलोअर आ जाएंगे, तो अगर आप में से कोई हेलो यूज़ करता हो या करना चाहता हो, जबरदस्ती नहीं है, मैं नहीं कह रहा आ जाना हेलो ऐप पे, जितने फॉलोअर्स होंगे उतना ही पैसा मिलेगा। नहीं, मेन चीज़ ये है कि मैं उस पर बिहाइंड द शूट डालता हूँ, रोज एक ज्ञान की बात बताता हूँ वहाँ पे शायरी की तरह। तो आ जाना मेरे हेलो के अकाउंट पे लक्ष्य चौधरी ऑफिशियल, इंस्टाग्राम पे भी लक्ष्य चौधरी ऑफिशियल, वहाँ तो तुम बहुत सारे लोग जुड़ ही रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो मेरे से बात करनी हो इंस्टाग्राम पे आ जाना, मेरे लाइफ के अपडेट देखने हो इंस्टाग्राम पे आ जाना। और हमारा पुराना मीम पेज पंडित डॉट पांडा हमने रिन्यू किया है, क्योंकि उसमें टेक्निकल इशू थे, तो जाके पंडित डॉट पांडा को भी फॉलो कर लेना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मेरे अकाउंट के। भैया पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है,